चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक मामले में पूर्ण कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है। 20 अक्टूबर तक के लिए जो है स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि जनरल बॉडी मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जयपुर से रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर 20 अक्टूबर तक के लिए जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार स्थगित किया गया है और जनरल बॉडी मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है। बताते चले, रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 10 दिनों से लगातार अपनी मांग को लेकर स्ट्राइक पर हैं। कल इलेक्टिव स्ट्राइक की गई थी और आज से बोला गया था कि यानी कि 18 अक्टूबर से कि पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, लेकिन जनरल बॉडी मीटिंग हुई जिसमें 20 अक्टूबर तक के लिए जो पूर्ण कार्य बहिष्कार का फैसला रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से आज से होना था वो स्थगित कर दिया गया है। 20 अक्टूबर तक का समय है, हो सकता है किसी बात पर सहमति बनी हो और माने हो, अगर 20 अक्टूबर तक वो चीजें हो जाती हैं इम्प्लीमेंट तो लगभग आगे जो मरीजों को परेशानी हो रही थी या उनके तीमारदारों को जो परेशानी हो रही थी वो कार्य बहिष्कार के रेजिडेंट डॉक्टर्स के हो सकता ना हो, कि अगर वो कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे। हालांकि 20 अक्टूबर तक जनरल मीटिंग बॉडी में जो मीटिंग हुई है उसमें लेकर 20 अक्टूबर तक ये जो कार्य बहिष्कार का फैसला था वो स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से कई तरीके की जो है मांगे भी की जा रही है। तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकल करके सामने आई, कई जगहों पर जो है कार्य बहिष्कार किया गया। इससे जो मरीज है उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई दौर का वार्ता भी चला, कई दौर की बातचीत हुई, समझाइश करने की कोशिश की गई, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिखी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जयपुर से। 20 अक्टूबर तक के लिए जो है स्थगित किया गया है कार्य रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। जनरल बॉडी मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है और इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है जहां पर मरीज लंबे लंबे लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी दल जीत की कोशिश में लगे हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें से एक 84 विधानसभा सीट है, जिस पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में बीएपी को यकीन है कि उपचुनाव में उसकी ही जीत होगी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत मानकर चल रही है। रिपोर्ट देखिए। जीत की हैट्रिक लगाएगी बीएपी, कांग्रेस बीजेपी भेद पाएंगे बीएपी का किला, कौन बनेगा 84 का शहंशाह। जब तक उपचुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब